At Singhania Educational Institute, we're not just prepared for the future. We're actively shaping it with technology and innovation. We are preparing to lead tomorrow. Singhania Educational Institute, cultivating knowledge. 2010 बैच की चर्चित आईएएस अफसर दुर्गा शक्ति नागपाल ने लखीमपुर खीरी जिलाधिकारी का कार्यभार गुरुवार को ग्रहण कर लिया। आईएएस दुर्गा शक्ति नागपाल के पदभार ग्रहण करने के बाद खनन माफियाओं में हड़कंप मच गया है। सूत्रों की माने तो अवैध खनन के काम में लगे कारोबारी एक दूसरे से व्हाट्सएप कॉल कर अपने कारोबार को बचाने की रणनीति बना रहे हैं। यही नहीं, अवैध खनन रोकने के काम में लगे जिम्मेदारों ने सारदा नहर के करीब एक पीले नुमा डंप को जेसीबी पोकलैंड की मदद से दबा दिया है। सूत्रों की माने तो खबर यह भी है कि जिम्मेदारों का कहना है कि अगर नवागढ़ डीएम दुर्गा शक्ति नागपाल की नजर पीले नुमा डंप पर पड़ गई तो कई लोग जिला बदर तक किए जा सकते हैं। जिले में तैनात कई अधिकारी एक दूसरे से अब यह भी कहते सुने जा रहे हैं कि अब वह माहौल नहीं है। जो बचा सके गनीमत इसी में है कि सब लोग सही से काम करो। ताजा जानकारी के मुताबिक दुर्गा शक्ति नागपाल के डीएम खीरी का चार्ज संभालते ही खनन माफियाओं ने बालू के दाम तक बढ़ा दिए हैं। बालू का परिवहन करने वाले लोगों का कहना है कि जिले में 6 महीने में जमीन से आसमान तक बालू के दाम पहुंच गए हैं। इस बात की शिकायत लोगों ने जब नवागढ़ जिलाधिकारी दुर्गा शक्ति नागपाल से की तो उन्होंने कहा जाँच के उपरांत सख्त कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि खनन माफियाओं पर कठोर कार्रवाई कर आईएएस दुर्गा शक्ति नागपाल चर्चा में आई थी। इस कार्रवाई के बाद उन पर निलंबन की भी कार्रवाई हुई थी। दुर्गा शक्ति नागपाल के निलंबन को लेकर पूरे देश में छात्र छात्राओं ने इसका विरोध किया था। लखीमपुर खीरी में दुर्गा शक्ति नागपाल पर बनाया गया एक वीडियो अचानक सुर्खियों में आ गया जो जमकर वायरल हो रहा है। पहले हम आपको यह वीडियो दिखाते हैं लखीमपुर खीरी में वायरल हो रहा है। आईएएस दुर्गा शक्ति नागपाल हम सब के लिए मोटिवेशन है। जब ये सस्पेंड हुई थी तो पूरा देश एक साथ खड़ा हुआ था इनके। कुछ लोगों ने आके शिकायत करी इनसे। इनको यमुना नदी पर पता लगा खनन माफिया के बारे में। जेसीबी, ट्रैक्टर्स, डंपर्स, ट्रॉली और कट्टे लेकर कुछ गुंडे किसानों के खेतों में वहां से रेत को लेकर अपने वाहनों में डालते और बिजनेस चला रहे थे इस चीज का। फिर इन्होंने एक टीम बनाई और लेट रात को रेड्स करी। 100 से भी ज्यादा गाड़ियां पकड़ी गई और 120 लोग अरेस्ट हुए। फिर इनके पिता के पास कुछ लोग आते हैं, रास्ते में उन्हें रोकते हैं और बोलते हैं कि अपनी लड़की को समझा लो वरना उसे उठवा लेंगे, किडनैप कर लेंगे। इनके पिता कहते हैं तुम्हारे अंदर जितनी भी ताकत हो ना उसका इस्तेमाल कर लो, तुम बाल भी बाका नहीं कर पाओगे मेरी लड़की का। उसके कुछ दिन बाद सस्पेंशन लेटर इनके पास आता है 2013 में। इसके बाद पूरा देश एक साथ खड़ा होता है। फिर गवर्नमेंट को फुल ऑनर के साथ इनको वापस लाना पड़ता है। अगर आप अपना काम ईमानदारी से करते हो, लगन से करते हो, बिना डरे करते हो, इस दुनिया में कोई भी ताकत नहीं है जो आपको रोक दे। लखीमपुर खीरी की नवागढ़ डीएम दुर्गा शक्ति नागपाल ने सबसे पहले ट्रेजरी जाकर चार्ज लिया। इसके बाद
उन्होंने अधिकारियों संग परिचय बैठक की और फिर पत्रकारों के साथ वार्ता कर अपनी प्राथमिकताओं के बारे में भी बात की। अधिकारियों को निर्देश देते हुए उन्होंने कहा कि सभी अधिकारी अपने अपने कार्यालयों में सुबह 10 बजे से 12 बजे तक जरूर बैठे, जनता से मिले और उनकी समस्याओं को हर हाल में निपटाने का प्रयास करें। डीएम ने कहा कि यदि कोई फरियादी मेरे पास आया तो मैं सबसे पहले यही पूछूंगी कि क्या आप विभागीय अधिकारी से मिलकर आए हो या कि नहीं। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश करते हुए कहा कि यदि किसी एक योजना से फरियादी को लाभ नहीं मिल पा रहा है तो कोशिश करें किसी अन्य योजना से उसे लाभ दें। कोई भी फरियादी खाली हाथ न लौटे, किसी भी कीमत पर किसानों को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए और न ही उन्हें दर दर भटकना पड़े, चाहे वो तहसील दिवस हो या समाधान दिवस। मीडिया को अपनी प्राथमिकताएं बताते हुए जिलाधिकारी दुर्गा शक्ति नागपाल ने बताया कि सबसे पहले अवैध खनन पर लगाम लगाई जाएगी और इससे जुड़े माफियाओं पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। फर्जी अस्पतालों पर कार्रवाई करने के साथ मीडिया में प्रसारित हो रही भ्रष्टाचार व समस्यात्मक खबरों को संज्ञान में लेकर कार्रवाई की जाएगी। माथहतों को निर्देश देते हुए उन्होंने कहा कि मीडिया से सामंजस्य बनाया जाए और किसी भी प्रकार का कम्युनिकेशन गैप न हो। बारिश से पहले पेंडिंग पड़े पैमाइश के काम टीम बनाकर पूरे करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त गांव में चौपाल लगाकर मेड़बंदी एवं उनकी समस्याओं का आपसी समझौते से तत्काल निराकरण करने को प्राथमिकता दी जाए। डीएम ने बाढ़ कटान और वर्षा ऋतु को देखते हुए नालों की ढेर तक सफाई और नए नाले के निर्माण को विशेष अनुमति देने की भी बात कही है। उन्होंने मीडिया से भी सहयोग की अपील की है। आपको बता दें आईएएस दुर्गा शक्ति नागपाल मूल रूप से दिल्ली की रहने वाली हैं और 2010 की यूपी कैडर की आईएएस अफसर हैं। इसे पूर्व करीब 15 माह तक डीएम बांदा के पद पर रही। शिक्षा चिकित्सा विभाग में विशेष सचिव के साथ भारत सरकार में कई वर्षों तक अपनी सेवाएं दे चुकी हैं। बैठक में सीडीओ अनिल कुमार सिंह, एडीएम संजय सिंह, एसडीएम सदर अश्वनी कुमार सिंह, वरिष्ठ कोषाधिकारी अमित कुमार राय, जिला सहायक सूचना अधिकारी नरेंद्र कुमार वर्मा सहित सभी विभागों के अधिकारीगण मौजूद रहे। मीडिया को अपनी प्राथमिकताओं के बारे में बताते हुए डीएम दुर्गा शक्ति नागपाल ने क्या कहा, आइए वह भी सुन लेते हैं। मेरे लिए जानना जरूरी है ताकि हम आने वाले समय पे समय रहते कार्रवाई कर सकें। ये सब हमने इंट्रोडक्टरी बैठक की, उसके बाद हमने प्रेस के साथ, यहाँ एक परंपरागत रूप से हर बार जब कोई नया अधिकारी ज्वाइन करता है तो प्रेस के साथ वार्ता की जाती है, तो आप सबके साथ वार्ता की और सभी अधिकारियों को ये निर्देश दिए हैं कि 10 से 12 वो जरूर अपने कार्यालय में बैठे, जनता से मिले। मेरे पास कोई आएगा तो सबसे पहले मैं उससे यही पूछूंगी कि क्या तुम विभागीय अधिकारी से मिलकर आए हो या नहीं आए हो। दूसरी चीज़, मैंने अधिकारियों को ये भी कहा कि अगर आप उसको जो लाभ वो आदमी वो व्यक्ति मांगने आया है अगर वो लाभ ना भी दे पाए तो उसको कोई और लाभ देने का प्रयास करें, किसी और योजना से उसको लाभ दिलवाएं जो कि उसको दिलवाया जा सके। हमारी कोशिश ये रहेगी कि हम उसको खाली हाथ ना लौटाएं, चाहे वो तहसील दिवस में आ रहा है, चाहे वो जन सुनवाई में आ रहा है, चाहे वो कैसे भी आ रहा है, उसकी समस्या को समझा जाए, उसका निदान किया जाए, उसको संतुष्ट किया जाए और गुणवत्तापूर्वक तरीके से उसकी समस्या का निस्तारण किया जाए ताकि उसको दर दर ना भटकना पड़े। बाकी आप सबसे भी आग्रह है कि लगातार अब आप मेरे को सूचना दें, सुझाव दें। जो चीज़ मुझे 2-3 महीने में पता लगती वो आप लोगों के माध्यम से 2-3 दिन में ही पता लग जाएगी, तो आप अपने सुझाव दें, हम लोग उस पर त्वरित कार्रवाई करेंगे। लखीमपुर खीरी से श्याम जी अग्निहोत्री के साथ दिलीप त्रिपाठी की रिपोर्ट। खबर आपकी, नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।